हाय एवरीबॉडी, मैं रामजीत कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्प ज्ञान मिक्सिंग। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वर्जन 3.247 का। ठीक है, शायद ही आप लोगों को किसी को मालूम होगा कि ये पीसी वर्जन मतलब कि हो चुका है, यानी कि 25% हो चुका है, 75% बाकी है पीसी वर्जन होने में। ठीक है, जो अपना एप्पल स्टूडियो मोबाइल यूज करते हैं, कि अभी इसके बाद जितना भी लेटेस्ट अपडेट आएगा, समझ लीजिए कि पीसी वर्जन से अपडेट आएगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग को बहुत सारे चीज़, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि कैसे यूज करना है, कैसे क्या नहीं करना है, शायद आप लोग को मालूम ना हो और मालूम भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम जैसे कि एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, सैड सॉन्ग रिमिक्स करने में हम लोगों को काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ती है। कि परेशानी ये होती है कि बेस लाइन बार मैच नहीं करता है, थोड़ा दूर करता है और उसके बाद थोड़ा छोड़ करके आगे या पीछे हटने लगता है, कुछ देर मैच करता है, कुछ देर के बाद छोड़ने लगता है। तो हमारा वो क्या होता है कि बीट अलग बैठता नहीं है। तो हम पहले वाले वर्जन में था एप्पल स्टूडियो मोबाइल का, जो उसमें पॉसिबल नहीं था, अब पॉसिबल हो चुका है। ठीक है, कि उसको हम कैसे सेटअप करें, बेस लाइन बार पर कैसे उसको मैच करें और कैसे उसको रिमिक्स करें। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि पीसी में हम कोई भी गाना हम ऐसे करते हैं साइड सॉन्ग, तो उसको हम टेम्पो कर लेते हैं, उसको बीपीएम सेट करके उसको ऐसे कर लेते हैं, और जितना जहाँ जहाँ बीट बेस लाइन बार छोड़ के जाता है वहाँ से कटिंग करके फिर उसको मैच कर लेते हैं। यही होता है, ठीक है, पीसी में, कंप्यूटर में। तो वही मतलब सारे, और लुस यूज करना भी बहुत दिक्कत और प्रॉब्लम था इसमें, वो सारे सुविधा आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ और आप लोग को नॉलेज देने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है गाइस, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कि हम यहाँ से ये गाना हम एक यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को समझाने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ समझाएंगे आपको कि कैसे क्या करना है। तो आप देखते रहिए वीडियो लास्ट तक, और यही गाना हम ऐड करेंगे और यही बीपीएम पे। ठीक है, ठीक है गाइस, और इस गाने को हम उठा कर लेके जाएंगे उस पर, और उसी के हिसाब से हम मैच कर लेंगे। ठीक है गाइस, मैक्सिमम थोड़ा बहुत मैच हो चुका है मिला जुला करके, और थोड़ा चाहिए, थोड़ा सा चाहिए हमें इसको मैचिंग करने के लिए। चलिए इससे यूज कर लेते हैं मैग्नेट पे। ठीक है, मैग्नेट पे आप इसको सेटअप कर लीजिए। अब थोड़ा बहुत हमारा मैच हो चुका है, सारा का सारा बीटिंग यहाँ से यहाँ तक रेडिंग हो चुका है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर अब आप यहाँ से देखिए ध्यान से। ठीक है गैस, अब हम आपको यही समझा रहे थे। ठीक है, जो कि ये देखिए हमारा बीट ये यहाँ चल रहा है। ठीक है, और ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना गैस। तो हम इसको जो बीट हम बना रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप हम चलाएंगे उसको। ठीक है, कोई इधर उधर नहीं करेंगे, जैसे एग्जांपल कि ना इधर करेंगे ना इधर करेंगे। ठीक है, यानी कि या तो मैग्नेट पर भी हम इसको यहाँ से वहाँ तक सेट करेंगे, कितना सेट करेंगे, पूरा यहाँ से वहाँ तक सेट करना पड़ जाएगा हमको। ठीक है, तो मेहनत काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो उसके लिए साधारण सा उपाय, हम इसको बीट को जो जहाँ चलता है वहाँ चलाएंगे। ठीक है, रह गया गाने का, तो गाने का जो है हम उसका यह यहाँ से हम इसको करेंगे। आप वीडियो ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ से बस फोर ऊपर क्लिक, थोड़ा सा स्क्रैप करना है आपको, यहाँ सा थोड़ा प्लस का आइकन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा
और डिलीट का ऑप्शन आएगा, डिलीट पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ये आपका यहाँ से कट चुका है और बीच में से हट चुका है, ये वर्जन पे आपको मिल जाएगा ये इस, ठीक है, देखने को। और उसके बाद इसको हम यहाँ मैच कर लेंगे। ठीक है गाइस, मैच करने के बाद हम इसको फिर से इसको मैच कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी देख रहे हैं आप दोनों साइड से, ठीक है, ये हमारा मैच हो चुका है। ठीक है, बिट हमारा मैच हो चुका है, जैसे कि पीसी यानी कंप्यूटर में हम करते थे वही उसी तरह हम इधर कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इसी प्रकार से जहाँ जहाँ हमारा बिट, और यहाँ देखना पड़ेगा हमको, जहाँ जहाँ हमारा बिट छोड़ रहा है वहाँ वहाँ हम इसको कटिंग कर लेंगे। ठीक है, आप देखते जाइए, ये रहा अब यहाँ से है। ठीक है, आप बिट पूरा कंप्लीट कर लीजिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका बीट भी डिलीट हो जाए, रिमिक्स कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, ये टेंशन मत लीजिए कि जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि हम कटिंग कर रहे हैं इसको तो साथ में हमारा बीट भी जा रहा है। ठीक है, तो उसका टेंशन मत लीजिए आप, बस अपने गाने को सेटअप कर लीजिए। ठीक है, इसमें थोड़ा मैजनेट की यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा लमसम मिला जुला करके हो गया है। ठीक है गाइस, अब मैगनेट ऑफ कर लेंगे और इसको हम यहाँ सेटअप कर लेंगे। ठीक है, और इसको थोड़ा सा यहाँ लाएंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ लाएंगे। ये भी ध्यान रखना है कि इसका बीच का जो है वो दूसरा पार्टीशन इस जगह पे ना आ जाए। ठीक है, इस जगह पे दूसरा कोई बीट अलग से ना जुड़ जाए, क्या होगा कि वो गड़बड़ कर देगा। जहाँ आप ज्वाइंट करेंगे तो वहाँ ध्यान रखना होगा कि इस बाजू का बीट, इस बाजू का बीट यहाँ बीच पे ना आ जाए। ठीक है, ये आपको बाकायदे ध्यान रखना होगा। ठीक है गाइस, और उसके बाद से सिंपली आपको अपना बीट को यहाँ ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका मैचिंग। ठीक है, फिर यहाँ क्लिक कर लीजिए और देखिए आपका कहाँ कहाँ आपका बीट छोड़ रहा है। ठीक है गाइस, आपका साइड सॉन्ग का जो भी है बीट कहाँ कहाँ छोड़ रहा है, बस आपको देख करके कटिंग कर लेना है। ठीक है गाइस, अब हम फिर यहाँ ऊपर ये बार दिख रहा है, फिर से हम समझाते हैं, ये बार ऊपर सबसे टॉप में क्लिक करना है, क्लिक करेंगे और थोड़ा सा प्रेस करेंगे, आपको ये आइकन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ डिलीट का ऑप्शन आएगा, डिलीट कर लेंगे। ठीक है, मैग्नेट यूज कर लेंगे और इसको हम प्रॉपरली सेट कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, ये हमारा थोड़ा और रह गया है, ये हो गया मैच। या मैग्नेट ऑफ कर लेंगे और जो है इसको, और इसको थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा, और ध्यान रखना है कि आपको इसमें बीट कोई ना आ जाए, गाने का जो ओरिजिनल गाने का जो बीटिंग है वो इधर ना आ जाए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, और इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये आप लोग समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है, पूरा गाने को आप ऐसे ही आप इसको सेटअप कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ऐसे ही आप कर सकते हैं। ठीक है, और गाना है ये इश्क हंसाता है इश्क रुलाता है। ठीक है, थोड़ा सुन लीजिए। तो गाइस, इसमें आप लूप्स यूज कैसे कर सकते हैं वो हम आपको इसमें बताएंगे। ठीक है, लूप्स इसमें कि लूप्स भी यूज करना बहुत ही इजी हो चुका है ये वर्जन में। ठीक है, और यह है कि गाइस कि इस गाने का जो लिंक है, इसका एफएलएम सेटिंग्स और पूरा फुल्ली इसका एफएलएम सेटिंग इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि आप इसको वीडियो बनाएंगे और उसको अपलोड करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले इसमें आपको ढोलकी वगैरह वगैरह सेट करने के बारे में हम बता दें कि ढोलकी आप कैसे सेट कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए हम यहीं से एक एग्जाम्पल के तौर पर ढोलकी ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, ढोलकी एक यूज करेंगे हम। अब आपके ऊपर निर्भर रहता है कि आप ढोलकी कौन सा यूज करेंगे, कौन सा नहीं। सॉरी गाइस, थोड़ा वीडियो हम पॉज कर लेते हैं। और चलिए गाइस, हम इसी को सेट करते हैं, देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। ये मिला जुला करके थोड़ा सेटिंग में है। थोड़ा सा है तो आप इसको करेंगे क्या, यहाँ क्लिक करेंगे नीचे का जो आपको बार दिख रहा है, ये इस पर आपको इसको खींचना है, ठीक है। आप खींचेंगे तो थोड़ा ज़्यादा नहीं खींचेंगे क्योंकि इसका आवाज़ भी जो है चेंजिंग होता रहता है, ठीक है। और लिप्स को इसी तरह से आप सेट करेंगे। ठीक है गाइस, चलिए कोई दूसरा लुत्फ यूज कर लेते हैं इससे, कोई अच्छा ढोलकी वगैरह वगैरह में, ठीक है। चलिए इसी को सेट करते हैं, देखते हैं। जैसे कि ये अब आपका डिक्लेयर ही पता चलेगा, तो ये आपका सही नहीं है, तो आप यहाँ खींच करके इसको मैच करेंगे, ठीक है। अब इसको हम पूरा सेटअप कर लेंगे, ठीक है, जहाँ तक चाहिए वहाँ तक कर लेंगे, देखते हैं, ठीक है। ठीक है गैस, तो हम इसी को थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं और बेहतर से समझा देते हैं आप लोगों को। ये यहाँ नहीं चलेगा, हम यहाँ कहीं और स्टेप पे यहाँ चेक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ आपको क्लियरिंग मालूम पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा समय लगता है इसमें मैचिंग करने में, तो आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। बस थोड़ा ये जो पॉइंट जो जल्दी नहीं आता है पेस्टिंग करने के बाद, ठीक है गाइस, एक ही बार ये एक ही बार में सेलेक्ट करने को बोलता है यहाँ, ये इसका एक प्रॉब्लम्स आता है, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम्स लेता है कि इसको आप पेस्ट करके इसको चाहेंगे तो करने के लिए नहीं हो पाता है, तो इसको फिर से री लोडिंग करना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसी हिसाब से एक ही बार में आप ढोलकी सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए हम
Explicit theme. चलिए ये आ गया आपका, ठीक है। अब हम इसको ऊपर लेके चलते हैं, ठीक है। और गाने के हिसाब से हम इसको इस बीट पे कहाँ से हैं वहाँ से हम इसको सेटअप कर लेंगे पहले, और चला के देखेंगे। इसका साउंड फुल कर देते हैं, सुनाई दे। अब इसको हम यहाँ सेटअप करेंगे, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे अब ये बज रहा है, ठीक है। आपको सुनाई दिया होगा कि कितना आसानी से और कितना आराम से ये मैच हो गया है, ठीक है। बस आपको यही करना होता है, यहाँ साइड से जो लास्ट बार आता है आपको एक ही बार यूज करना होता है, ठीक है। एक ही बार में आपको अपने हिसाब से बीट चूज करके उसको ऐड कीजिए, और बस उसको सिंपली आप उसको जितना पे चाहें उसको खींच करके आप उसको मैच कर सकते हैं, ठीक है गाइस। ऐसे तो हमको लूप्स यूज करने के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, और जाते जाते बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं अक्सर एप्पल स्टूडियो के बारे में अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेके आता रहता हूँ, और आप लोगों को बताता हूँ कि एप्पल स्टूडियो में ये क्या है, नया क्या है और कैसे क्या है, ठीक है। तो शायद ही आपको, मतलब मैं भी यूट्यूब पे जाता रहता हूँ और देखता रहता हूँ, लेकिन शायद इतनी डिटेल्स भी वीडियो आपको शायद नहीं मिले, खैर मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को लाइक और कमेंट ज़्यादा करें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो ओके गाइस, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में इसी सॉन्ग के बारे में, इसी सॉन्ग का फिल्म सेटिंग के साथ, ओके। और गाइस आप वीडियो पूरा देखते नहीं हो और कमेंट में करते हो पासवर्ड चाहिए, तो देख दोस्त आप वीडियो को, वीडियो जितना भी लंबा हो चाहे कोई भी हो, आप लोग को वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि वीडियो के जो होता है उसमें हर एक पॉइंट पे कुछ कुछ मिल जाता है जो कि आप कभी मिस कर जाते हैं, ठीक है। मिस करने के बाद आपको फिर सोचेंगे यार वहाँ क्या था, कैसे क्या होगा। तो आप वीडियो लंबा देखिए, पूरा देखिए, ठीक है। और उसमें आप फिल्म सेटिंग के बारे में है तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, एंड शुरू से एंड तक, जिसमें कि आपको कहीं भी दो अंक तीन अंक, कहीं डीजे हो, कहीं आर हो, कहीं बी हो, कहीं सी हो, कहीं एच हो, इस तरह से आपको सारे पासवर्ड इकट्ठा करके एक पासवर्ड बनाना होता है, उसके बाद आप अपना फाइल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि आजकल कितने क्या हैं कि बस कहीं कहीं बीच में भगा के देख लेते हैं और पासवर्ड मिलते हैं, बस उनसे क्या है, एक लाइक भी नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।